वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपको कुछ टॉपिक बच गया था मैं उसको बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए कि जो 11th का स्टूडेंट उनके लिए मैं आपको नया बैच दे रहा हूं जो कि ऑनलाइन होगा, क्लियर है। तो इसलिए आप लोग जिसको जिसको जुड़ना होगा वो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं और उस पर आप लोग नंबर भेज करके, ठीक है, ताकि मैं एक ग्रुप बना दूंगा और उसमें ताकि हम वीडियो आसानी से भेज दें आप लोग को, ठीक है, और आप लोग भी उसका फ्री में लाभ उठा सके, ठीक है। तो कोई तो इसलिए आपको ये आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों। अब देखिए कि पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोग को बताया था, ये पहला आपको था कौन सबको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर है। तो क्या था आपको वाष्प दाब का क्या होगा या वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच जाता था आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है, ये आपको तीनों बच जाता है। तो पहला देखिए इस बार जो उसके बाद जो बच गया आपको वो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। तो उसको देखिए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पर विलायक का क्या हुआ या विलायक के हिमांक दे दीजिए या हिमनांक भी आप कह सकते हैं, हिमांक में क्या हुआ में अवनमन, क्लियर है। तो आज का टॉपिक ये है आपको पहले पढ़ने के लिए, इसमें देखिए ये अवनमन मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी, और ये हिमांक का मतलब क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर आपको कोई जो लिक्विड होगा वो जब सॉलिड में चेंज होता है तो डेट इज कॉल्ड क्या होगा, उसी मिनिमम उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, हिमांक या हिमनांक भी आप कह सकते हैं, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहला है कि प्योर लिक्विड ले लें, क्लियर है। प्योर लिक्विड जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए H2O ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है इसलिए आपको ध्यान से जरूर देखिए इसको। इस H2O में देखिए क्या होगा कि इसमें इसका हम लोग अबाउट में मान लेते हैं हम लोग 0°C पर आपको ये क्या होगा, ये आपको बर्फ बन जाता है। लेकिन इसके बाद देखिए कि ये अबाउट हम लोग मानते हैं जबकि बर्फ इससे नीचे जाके बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अगर हम लोग अब अगला में अगर मान लीजिए ले रहे हैं कि एक सोल्यूशन ये ले लेते हैं, इसमें क्या है कि आपको वाटर के साथ साथ आपको H2O और प्लस क्या है NaCl। दोस्तों देखिए कि इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा आपको, ये -0°C ये होगा या फिर उससे और आपको क्या होगा, आपको पहले ही जम जाएगा, मतलब कितना 1, 2, 3 इतना पर ही जम जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि आपको जब भी सॉलिड डाल देते हम लोग लिक्विड में तो उसका क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर जो कम जो आपको पहले जो बना हुआ था उसको तो ये कम कर देगा सॉलिड, क्योंकि आप इसे पहले रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर वो पढ़ चुके हैं आप लोग, तो वही यहाँ वेपर प्रेशर तो कम गया, जब वेपर प्रेशर जब घट जाएगा आपको, ठीक है, तो और साथ साथ दूसरा क्या होगा आपको, तो सॉलिड तो पहले से बन चुका है आपको और कुछ लिक्विड क्या होता है उस सॉलिड के सरफेस पे चला जाता है, अब तो और आसानी से होगा ना, क्योंकि अब अट्रैक्शन तो और बढ़ा रहा है ना, अब तो और आसानी से आपको ये आपको किसमें सॉलिड बदल जाएगा, क्लियर है। इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होगा आपको घट जाएगा, कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा घट जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब किसी लिक्विड में, क्लियर है, सॉलिड को घुलाया जाता है तब उसके हिमांक में क्या होगा या उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, क्लियर है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कहते हैं या फिर अवनमन हम लोग कहते हैं, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको, क्या हुआ जब किसी लिक्विड में, क्लियर, जब किसी लिक्विड में, क्लियर है, सॉलिड को घुलाया जाता है, क्लियर है, घुलाया जाता है तब
उसके हिमांक में क्या होगा, कमी हो जाती है जिसे इसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी शॉर्ट में लिख दीजिए, इसे फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, व्हेन सॉलिड इज डिजॉल्व इन लिक्विड देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड डिक्रीजेस, क्लियर है, व्हिच इज एंड या फिर वही कह दीजिए व्हिच इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द टेम्परेचर, क्लियर है, व्हिच क्या होगा आपको, ये तो आपको यहाँ पर वैसे देखा जाती है बढ़ ही रहा है आपको, क्लियर है ना, क्योंकि पहले माइनस एक पे अगर मान लीजिए हो रहा था तो अब आपको पहले ही हो गया, तो वो तो आपको टेम्परेचर आपको बढ़ ही गया ना आपको, क्लियर है, तो अब जितना से आपको यहाँ पे जो जो अंतर जो आ रहा, जो डिफरेंस आ रहा है, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा उसको, वही कहलाएगा आपको जो उसका डिप्रेशन कहलाएगा। देखिए, व्हेन सॉलिड इज डिजॉल्व इन क्या होगा, इन लिक्विड देन तब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन डिक्रीजेस फ्रॉम द एफ पी ऑफ किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है, तो अब देखिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको यही होगा, तो अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए कि आपको रियल का कुछ ना कुछ होगा ही, फिर सॉल्यूशन बनेगा उसका, उसे कुछ कम होगा, तो दोनों का अंतर जो होगा वही क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। देखिए तो एफ पी ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट, मतलब क्या होगा, जो शुद्ध जो विलायक है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसको मान लीजिए कितना, टेम्परेचर नॉट प्योर हो गया एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट का होगा, क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन का क्या होगा, आप दे दीजिए एफ पी ऑफ किसका, प्योर एफ पी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका क्या होगा आपको टी एफ ले लीजिए, क्लियर है ना, तो अब डिप्रेशन कितना होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए कि ये इसमें ज्यादा कौन है, देखिए ये प्योर है और ये इसका क्या हो रहा है, ये घट ही रहा है ना, ये ज्यादा है और ये कम है, तो अंतर अंतर निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे अंतर इसमें से इसको हटा देंगे, यही क्या होगा आपको टी नॉट एफ माइनस क्या होगा आपको टी एफ होगा, बराबर कितना हो जाएगा, और इसके अंतर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टी एफ, ये होगा ना, क्लियर है, तो यही आपको क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अब कैलकुलेशन कैसे होगा इसका, तो उसका कैलकुलेशन देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो आप लोग तब तक लिखिए, इसको लिखिए, इसको अगला आगे जो है इसको करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अब देखिए कि ये जो आपको डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्लियर है, ये उसके मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है, मतलब कि यहां, मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या होगा, तो हिमांक में जो अवनमन होगा वो क्या होगा, उसके मोललता का सीधा समानुपाती होगा, क्लियर है, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, नाउ फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है, डिप्रेशन नाउ डिप्रेशन इन क्या होगा,
इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है आपको, मोलालिटी का। अब डेट क्या होगा, डेट सॉल्यूशन। अब याद कीजिए पिछले वाले में क्या था, वो उसके मोल फ्रैक्शन का था, लेकिन ये किसका है आपको, उसके मोलालिटी का। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, यहां पर इसको ये डिप्रेशन क्या है आपको, डेल टी एफ ही है ना, और ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए यहां पे एम का ही है ना, क्लियर है। अब इसको ऐसा लिख लीजिए, डेल टी एफ प्रोपोर्शनलिटी घटाइए तो एक कॉन्स्टेंट आता है के एफ, और फिर यहां पर क्या होगा, इंटू एम होगा, क्लियर है, क्लियर है ना। अब लिखिए यहां पर के एफ क्या है, देख लीजिए वेयर के एफ इज क्या होगा, इज मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, क्लियर है, और इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इसी को बोले हम लोग क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्लियर है। ये तीन नाम आपको इसके अब का है, और एक ही और याद रख रही के एफ फोर वाटर, H2O के लिए जो इसका जो मान होता है आपको जो है ये 1.86 के बराबर अबाउट में होता है, ठीक है, 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल। ये यूनिट तो आप लोग याद रख ही लीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट है आपको जो है, ये यूनिट आपको ऐसे कहिए कि एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आपको मोलल जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो आपको डिप्रेशन इन फ्रीज के का जो आपको ये आपको इसका आपको यूनिट क्या होगा, क्लियर है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिए आप, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब देखिए इसका ग्राफ थोड़ा सा आप लोग समझिए कि ग्राफ कैसे होगा इसका, अब इसका तो जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर आपको आगे बतलाते हैं सब, यानी तो ग्राफ आप इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है, इसका पहले देख लीजिए कैलकुलेशन देखिए। तो अब देखिए यहां पर कि डेल टी एफ जो आपको यहां पर है, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू क्या होगा, एम। देखिए अब क्या एक सवाल पूछता है आपको, पूछेगा कि जो सॉल्यूट आप डाले हैं, जो मतलब सॉल्यूट डाले थे, उस सॉल्यूट का आपको मोलर मास कितना होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे मोलिटी दिया हुआ, तो जो सॉल्यूट डाले थे वो तो आपको सॉल्यूट हो गया ना, वो सॉल्यूट हुआ तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वाटर क्या होगा आपको, सॉल्वेंट इन केजी होगा आपको। तो सॉल्यूट का हम लोग जब मोल है, आपको मोल दिया हुआ आपको यहाँ पर, तो मोल से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे कैसे होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल टी एफ बराबर क्या होगा के एफ इंटू यहाँ इसका क्या होगा, मोलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल एन हो गया बटे क्या होगा इसका के जी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना 1000 पर के जी लेते हैं हम लोग, 1000 ग्राम ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्या ये अब यानी तो आप ये ले लीजिए, W1 बटा कितना 1000 कर दीजिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ये हो गया आपको, N2 हो गया ये, इसको भी देखिए तोड़ेंगे हम लोग, तो और कर लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा के एफ इंटू इसको कितना लिख सकते हैं आप, W1 बटे M1, नहीं जी ये W2 है, W2 बटे M2 बटे ये कितना होगा, W1 बटे 1000, ठीक है, तो और इसी को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, के एफ इंटू क्या होगा W2 होगा ना, और फिर ये 1000 ऊपर जाएगा इंटू क्या होगा यहाँ पर 1000 बटे क्या होगा फिर M2 गुना क्या होगा W1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल टी एफ बराबर कितना होगा, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू W2 इंटू क्या होगा 1000 बटे M2 गुना क्या होगा W1, तो ये हुआ आपको उसका डेल्टी या बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा आपको एक ये भी है, आपको निकालना M2 है, तो कोना कोनी यहाँ पे गुना करनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपको क्या M2 यहाँ आएगा
और डेल्टी एफ क्या होगा, यहाँ देखिए। और ज्यादातर सवाल एम टू का ही पूछता है कि मतलब सॉल्यूट का आपको क्या मोलर मास कितना होगा, तो एम टू बराबर क्या कितना होगा, देखिए के एफ गुना डब्ल्यू टू गुना कितना होगा, गुना 1000 बटे क्या होगा डेल टी एफ गुना कितना डब्ल्यू वन, ठीक है। तो ये आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है तो उसका सवाल बनाने के लिए अब जैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं, तैयार है आप, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो होगा, तो न्यूमेरिकल हम सोच रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल जितना जिस तरह से हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो उसी तरह से आपको जो भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको सवाल बनेगा हर एक का एक एक सवाल जो है सो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अगर आप लोग को अगर हेल्पफुल लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लियर है, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होगा तो सबको फायदा होगा, क्लियर है, और हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका ग्राफ भी, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं और फिर इसमें जो यहां पर हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर, क्लियर है, वेपर प्रेशर, ठीक है, और ये हुआ किसमें केल्विन में। अब देखिए यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि आपको सबसे पहले देखिए कि हम लोग सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना, उसका अपना कुछ ना कुछ तो आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट है कुछ ना कुछ होगा ही। सपोज कीजिए कि यहां पर ही आप ये क्या होगा टी एफ और ये नॉट, उसको नॉट पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कि ये किसका है, आपको सबसे पहले देखिए सॉल्वेंट का है आपको, ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद आपको जो आपको ये सॉल्यूशन बन रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हो रहा है आपको घट रहा है, आपको एक तो वो घट रहा, दूसरा क्या घटा आपको तो उसका वेपर प्रेशर भी घटा, मतलब आपको इधर से ये वेल, ये अगर मान लीजिए कि ये अगर हम लोग रियल का ले लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो, ठीक है, ये मान लो कि अगर इसका वेपर प्रेशर था पहले से, तो जब टेम्परेचर घटा तो वेपर प्रेशर, चूंकि सॉलिड डाल रहे हैं आप तो उसका ये भी आपको वेपर प्रेशर भी घटेगा आपको। तो अब देखिए कि अगर टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि यहां पर आ गया इस पॉइंट पे, अगर टेम्परेचर ये आपको टी एफ अगर हो गया ये, तो वेपर प्रेशर भी तो घट गया ना इसका, तो अब ये किसका वेपर प्रेशर होगा, ये किसका होगा सॉल्यूशन होगा ना, होगा नहीं ये, सॉल्वेंट का होगा और ये किसका होगा इसे सॉल्यूशन, क्लियर है। अब देखिए यहां से क्लियर है, ये इसको ध्यान से देखिए आप लोग, अब देखिए कि ये जो आपको है इसको आप क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोजन सॉल्वेंट, VENT है यहां पर, क्रोजन सॉल्वेंट, ध्यान से क्रोजन और सॉल्वेंट होगी आपको, और इसका अंतर यहां पे क्या होगा डेल टी और फिर एफ होगा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब इसको उतार लीजिए, तो इसका वेपर प्रेशर घट के कहां पाएगा, ये यहां पे आ जाएगा,
क्लियर है। चलिए इसको उतार लीजिए तो आप लोग आगे बतलाते हैं फिर आप लोग। अब अगला देखिए, अगला है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या होगा बॉइलिंग का, क्या होता क्वथनांक होगा, क्वथनांक में उन्नयन, और ये भी किसका होगा ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या होगा विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए इसको, इसका क्या होगा इसमें, इसका कि अब देखिए यहां पर कि बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग घर में अगर चावल बनाते होंगे, मतलब भात के लिए बॉयल, जो बॉयल राइस उसको देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे टेम्परेचर आपको मान लीजिए कि अगर पानी अगर पहले से अगर उबल रहा होता है, क्लियर है, और उसमें अगर आप चावल गिरा दीजिएगा तो क्या होता है उसका, उसका उबलना रुक जाता कुछ समय के लिए। क्यों? तो जो बॉइलिंग पॉइंट पहले था अब क्या था, अब आपको उसको और गर्म करना पड़ेगा तब वो उबलेगा, क्लियर है। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हुआ बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि जितना टेम्परेचर आप दे करके पहले पानी खुलाते थे, लेकिन अब तो आपको पानी के साथ साथ आपको चावल को भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हीट तो वो भी लेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को टेम्परेचर और देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए। मतलब अब बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हुआ आपको बढ़ गया, क्लियर है। तो यही जितना से बढ़ेगा वही क्या कहलाएगा एलिवेशन, मतलब उन्नयन कहलाएगा उसका, मतलब वृद्धि, क्लियर है। चलिए देखिए यहां पे क्या होगा, जब किसी लिक्विड में सॉलिड को घुलाया जाता है, तब उसका क्या होगा, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट, डीपी लिख रहे हैं, ब्लड प्रेशर नहीं समझना, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्लियर है, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसे या फिर ऐसे वृद्धि होने वाले, वृद्धि होने वाले बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बीपी शॉर्ट में लिखें कहते हैं, क्लियर है। अब इंग्लिश में लिखिए क्या होगा, When, क्या होगा सॉलिड इज डिजॉल्व इन, क्या होगा इन लिक्विड, देन इट्स क्या होगा, देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीजेस, ई ए एस ई इंक्रीजेस, फिर है क्या होगा द इंक्रीज, द इंक्रीज बीपी इज कॉल्ड, ये इंक्रीज यहां पर टेम्परेचर लिखे शॉर्ट में लिखे यहां पे टीईएमपी टेम्परेचर, क्लियर है। वृद्धि होने वाले क्या क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ा उसी को बढ़ा, टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या हो गया शॉर्ट में, तापमान अभी आप लिख सकते हैं तापमान, क्लियर है। टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या होगा एलिवेशन इन, क्या होगा इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें जो समझने वाली बात है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, उसको देखिए क्या होता है कि अगर अब यहां पे देखिए कि आपको बॉयल कब करता है, किस वेपर प्रेशर पर,
थोड़ा सा सोचिए यहाँ पर, तो वो जो होता है आपको, वो आपको एक मिनट सोचिए आप लोग पहले अपने से, वो क्या होगा? ठीक है, तो वो जो होता है आपको, वो आपको होता है किस पे, किस वेपर प्रेशर पर? तो वो आपको एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर होता है, क्लियर है? उससे पहले बॉयल नहीं करता, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर, पहले प्योर सॉल्वेंट का हम लोग लेंगे तो वो भी वेपर प्रेशर पर है, फिर क्या होगा जब सॉलिड डाल देंगे फिर हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, वो भी किस पर? वो भी आपको किस पर? उसी वेपर प्रेशर पर लेना है हम लोग को। तो लेकिन उसी जब वेपर प्रेशर पर लेंगे हम लोग, क्लियर है, तो अब पहले की तुलना में तो वेपर प्रेशर यहाँ पे, चूंकि आप जान रहे हैं कि वेपर प्रेशर घट जाता है तो बॉयल कैसे करेगा, तो बॉयल को करवाने के लिए हम लोग क्या करना है, तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, क्लियर है? तभी ना आपको उस क्या कहते हैं, उस वेपर प्रेशर पर होगा, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए उसको ग्राफ के द्वारा बतला देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर है, ये हो गया। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं बदलने वाला, ठीक है? चलिए देखिए कितना होगा, सबसे पहले मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस ऑफ प्योर, देखिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होगा आपको, टीबी नॉट, क्लियर है? फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका लीजिएगा, ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा, टीबी होगा। अब देखिए इलिवेशन कितना होगा, तो इसी के अंतर के बराबर होगा, देख लीजिए इलिवेशन इन क्या होगा, इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना बराबर होगा आपको, ये इसका जो अंतर होगा, तो अंतर सबसे ज्यादा किसका, सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, तो बढ़ रहा है क्योंकि ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा, तो टीबी नॉट, टीबी माइनस क्या होगा, टीबी नॉट होगा, और यही क्या होगा, डेल टीबी के बराबर होगा, ठीक है? यहां तक आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे हम आपको ऊपर से बताएंगे। तो इसका भी लिखिए कि डेल टीबी क्या होगा, डेल टीबी जो होगा ये क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, अब लिख सकते हैं कि एलिवेशन इन, एलिवेशन इन क्या होगा, इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोलैलिटी का, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनको भी आज मोलैलिटी ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होगा, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, एम का हो गया, फिर क्या लिख सकते हैं हम, डेल टी बी बराबर, इसको हटाइए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को, तो के बी आएगा इनको क्या होगा आपको, एम आएगा, क्लियर है, क्लियर है ना? चलिए तो फिर देखिए इसको, वेयर के बी क्या होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर है? फिर अगला क्या होगा, अगला एक इसको दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्लियर है? दूसरा नाम देखिए क्या होगा, दूसरा नाम होगा बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन, कौन सा है जी, इलिवेशन है ना, इलिवेशन कॉन्स्टेंट, और एक होता है इसका नाम क्या होगा, उसको क्रायोस्कोपिक बोले थे ना, ठीक है, उसको क्रायोस्कोपिक बोले थे, इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या होगा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर है? अब देखिए यहां पर के बी का मान क्या होगा, देखिए के बी फोर एच टू ओ, इसका होता है आपको 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल, ठीक है? तो अब नीचे वाला देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या डेल टी बी बराबर कितना आपको दिया, देख लीजिए डेल टी बी बराबर के बी इंटू क्या एम है ना, इसको तोड़िए
के बी इंटू फिर ये इसका क्या होगा आपको डब्ल्यू वन बटक ये सॉल्यूट का है तो डब्ल्यू टू लीजिए बटक क्या होगा एम टू फिर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन के लिए क्या होगा आपको डब्ल्यू वन बटे एक हजार क्या होता है मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट इन केजी तो ये डब्ल्यू वन क्या हो गया सॉल्वेंट का हो गया और एक हजार से भागा देखिए उसको हम लोग केजी में बदल लिए हो गया अब इसको आगे आगे क्या होगा इसका के बी बराबर इसको कितना लिख सकते हैं डब्ल्यू टू गुना एक हजार के बी नहीं लिख लीजिए के बी हो गया क्या होगा यहाँ पर के बी इंटू कितना डब्ल्यू टू गुना कितना एक हजार बटे क्या होगा एम टू गुना डब्ल्यू वन क्लियर है ये हो गया अब यहाँ पे अगर M2 निकालना होगा तो M2 को यहाँ ले आइए फिर वैसे कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए M2 बराबर क्या होगा आपको ये भी इंटू कितना होगा W2 गुना एक हजार बटे क्या होगा डेल टी बराबर क्या होगा डेल टी बी इंटू क्या होगा इंटू डब्ल्यू वन तो इसका भी आपको मोल आपको जो मोलर मास आप निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का ठीक है थोड़ा सा ग्राफ को देखिए ग्राफ क्या होगा ध्यान से देखिए आप ये जीरो ये क्या होगा पेपर प्रेशर ठीक है टेम्परेचर यहाँ पर मान लीजिए कि टेम्परेचर आपको पहले जो आपको है पहले मान लीजिए कि इतना आया ये क्या है टेम्परेचर किसमें केल्विन में टेम्परेचर किसमें केल्विन में हो गया तो अब ये देखिए कि ये जो आपको ये किसका है टीबी नॉट होगा ये मतलब प्योर सॉल्वेंट ये आपको किसका होगा प्योर किसका होगा जी प्योर सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट का होगा अब देखिए कि अगला क्या होगा अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा पहले से बढ़ेगा आपको क्लियर है ना इसको तो इधर लिखिए सॉल्वेंट जब बढ़ जाएगा तब कितना होगा इससे ज्यादा होगा लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा वेपर प्रेशर तो सेम ही होगा क्लियर है ये आपको इसको यहां पर ये क्या होगा टीबी होगा और ये इसका क्या होगा ये होगा वेपर प्रेशर तो ये इसका ग्राफ होगा और इसका अंतर क्या होगा तो यहाँ पर ये डेल टी बी के बराबर ये होगा ठीक है तो टी बी में से टी बी नॉट हम लोग घटाएंगे तो निकल जाएगा डेल टी हो गया इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग हो गया आप लोग को तो इससे संबंधित जो आपको जो मैं आपको आगे जो न्यूमेरिकल बतलाऊंगा आप लोग को क्लियर है तो अगले वीडियो में आपको इस मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपको न्यूमेरिकल बनेगा वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा ठीक है तब तक आप इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और हाँ वीडियो के अंत में मैं आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ ठीक है तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग जरूर ध्यान से याद कीजिए और सबको नोट कीजिए और जो ये जो मैं बतला रहा हूँ इसको आप लोग एक कॉपी में बढ़िया से अच्छी कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार इसको पढ़ते रहिए ठीक है जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपके ध्यान में रहेगा ठीक है और आगे आपको आपको जब जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव का एक आपको सेट दे दूंगा ठीक है सबका तो उस समय टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना आपको याद है क्या है नहीं ठीक है तो इसलिए आप लोग जरूर अभी से ध्यान से लगातार आप लोग पढ़ते ही रहिए तो आपको आगे जाके बहुत ही फायदा क्लियर है चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं तब ठीक है तब तक बाय ठीक है। देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का क्या यूनिट होता है तो इसका कौन सा होगा केल्विन केजी प्रति मोल मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा क्लियर है। अब अगला देखिए किसी लिक्विड में सॉलिड डालने पर उसके वेपर प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है तो वेपर प्रेशर का मान क्या होता है तो वो आपको घटता है क्लियर है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। क्यों घटता है? क्योंकि लिक्विड जो है वो सॉलिड सॉलिड के सरफेस पर जमा हो जाता है, जिसके कारण अट्रैक्ट करता है, क्लियर है, और इसलिए क्या होता है, बहुत ही कम वेपर बनता है, क्लियर है, इसलिए वेपर प्रेशर का मान क्या होता है, घट जाता है। तो ये भी जो आपको ऑब्जेक्टिव है ये सब भी क्या है, आपको वीडियो से ही है, क्लियर है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए, ठीक है, तब तक बाय। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।